बज गया बिगुल, बिच गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका, किसकी होगी मात। आप देखेंगे झारखंड विधानसभा से जुड़ी हर चर्चा और नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। जमशेदपुर, चलो चले अब बदले सरकार के नारे के साथ आज पोटका के कलिकापुर मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। संबोधन में कहा कि झारखंड में यदि मेरी सरकार आती है तो हम हर गरीब परिवार को 3 लाख का आवास देंगे, इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं रघुवर सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि रघुवर सरकार के समय झारखंड में लूट हुई है, महंगाई बढ़ी है, यहां के लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पोटका के उप मुख्यमंत्री जयंती भगत दर्जनों महिलाओं के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई। हेमंत सोरेन द्वारा गले में पट्टा पहनाकर सभी महिलाओं को पार्टी में स्वागत किया। आपको बता दें कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पोटका के कलिकापुर मैदान में पहुंचे और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उपस्थित लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशी संजीव सरदार को अधिक से अधिक वोटों से जीत दिलाने की अपील के साथ ही झारखंड में बदलाव लाने की भी बात कही। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास पर हेमंत सोरेन ने तीखे प्रहार करते हुए कहा कि झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया गया है, इस बार झारखंड में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को नहीं बनाना है, यहाँ के स्थानियों को बैठाना है ताकि झारखंड का विकास हो। चुनावी सभा में प्रत्याशी संजीव सरदार, सुनील महतो, चंद्रावती महतो, सुकुमारी टूडू आदि उपस्थित रहे। शिव शंकर साह की रिपोर्ट। रोते रोते थक गया, लेकिन सरकार कान में तेल डाल सकते सोई नहीं। आज इस राज्य में लोग भूख से मरने पर मजबूर हुए, आज इस राज्य पर किसान आत्महत्या करने लगा, आज इस राज्य पर बेरोजगारी का आलम यह है कि नौजवान बेरोजगारी से तंग आकर के आत्महत्या करने लगा। उसमें एक आध लोग तो बीजेपी का नेता का बेटा लोग चार खाते जान दे दिया बेरोजगारी से तंग आकर। इस निकम्मी सरकार की वजह से आज विकास की बात करते हैं, आपने इस गृह जिला को रांची से तो जोड़ नहीं सके आज तक, और विकास की लंबी लंबी भाषण देते हैं। आज इनके नेता यहां पर आकर के बोलते हैं कि करोड़ों लाखों रुपया हमने केंद्र सरकार से राज्य सरकार को दिया,